नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विथ विवेक में। दोस्तों बात करने वाले हैं फिनलैंड, एस्टोनिया और इंग्लैंड की न्यू गाइडलाइन को लेकर। वही सऊदी जाने वालों के लिए एक और बुरी खबर है, बात करेंगे उसके भी साथ ही यूएई और ओमान के बीच फ्लाइटों को लेकर भी बात करेंगे। वही कतर, डेल्टा समेत कई एयरलाइन की बड़ी अपडेट की भी बात करने वाले। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखते रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो फिनलैंड की, तो आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल फिनलैंड में रहने वाले इंडियन रेजिडेंट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया है कि इंडियन रेजिडेंट फिनलैंड के बाहर रहने वाले अपने सभी रिलेटिव या किसी भी पर्सन से फिनलैंड के बाहर से मेडिसिन वगैरह ना ऑर्डर करें। साथ ही किसी भी अदर पर्सन को भी अब्रॉड से फिनलैंड में मेडिसिन प्रोडक्ट सेंड करना अलाउ नहीं है। वहीं फिनलैंड की गवर्नमेंट जिस तरह की शक्ति दिखा रही है, ऐसे में फरवरी या मार्च में इसके साथ हमारी फ्लाइटें स्टार्ट होने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, तो इंग्लैंड की गाइडलाइन को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि अब से इंग्लैंड में अराइव होने पर 10 दिन होटल क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही होटल बुकिंग और कोविड टेस्ट का खर्च भी खुद को ही देना पड़ेगा। वही यह नियम रेड लिस्ट कंट्रीज के लिए जारी है। यहाँ अच्छी बात यह है कि इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है। साथ ही दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो सऊदी जाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी गवर्नमेंट ने कोविड रेस्ट्रिक्शन का या एक तरह से लॉकडाउन का 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही बताया है कि सिनेमा, मॉल, सभी पब्लिक प्लेस, जिम वगैरह बंद रहेंगे। ऐसे में जो दुबई में भारतीय वेट कर रहे हैं सऊदी जाने का, उनको और भी दिक्कतें आने वाली है और उनका खर्च भी बढ़ने वाला है। वही यह डिसीजन बीते कल सऊदी की इंटीरियर मिनिस्ट्री द्वारा लिया गया है। साथ ही दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, तो कतर एयरवेज से आपको बताना चाहेंगे कि कतर एयरवेज अल्जीरिया के लिए 3 वीकली फ्लाइटें चला रहा है। साथ ही यह फिलीपींस के लिए भी 14 वीकली फ्लाइटें ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में आप इस एयरवेज के थ्रू 120 से भी अधिक डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। वही दोस्तों अगली खबर की बात करें, तो बीते कल यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ओमान के दौरे पर थे। साथ ही बताया है कि इस दौरे पर उन्होंने वैक्सीन और कुछ नई फ्लाइट सर्विस को लेकर बातचीत की है। ऐसे में यूएई और ओमान के बीच जल्दी ही नई फ्लाइटें भी शेड्यूल होने वाली है। वही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग इटली ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए एयर इंडिया 1 फरवरी से ही दिल्ली वाया अमृतसर से 25 मार्च तक फ्लाइटें चला रही है। ऐसे में आप इटली भी ट्रैवल कर सकते हैं। वही दोस्तों जो लोग एस्टोनिया जाने का वेट कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि एस्टोनिया गवर्नमेंट ने जो रेड लिस्ट कंट्रीज की लिस्ट जारी की है उसमें इंडिया का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसे में 28 फरवरी को अगर इंडिया अपनी फ्लाइटें चालू करता है तो एस्टोनिया के लिए भी फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इंडिया पर एस्टोनिया की तरफ से कोई ट्रैवल बैन नहीं है। साथ ही दोस्तों बात करें अगली अपडेट की, तो आपको बताना चाहेंगे कि डेल्टा एयरलाइन ने न्यूयॉर्क और साओ पोलो के बीच अपनी फ्लाइटें स्टार्ट कर दी। ऐसे में अब लोग इन दोनों डेस्टिनेशन के बीच भी इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। वही दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।